हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार शिक्षा कैंपस में। आज फिर हमारा वोकैब सेशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज से यानी कल से हमने क्या शुरू कर दिया है कि आपकी वोकैब सेशन शुरू होने से पहले कि आपके राइट साइड में आप जब आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे, ऐसे उंगली से टच करोगे तो आपके एक आई बटन होगा और आई बटन के ऊपर आप प्रेस करोगे तो 5 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो पिछले दिन की वोकैब होती है और उसमें से आपको मतलब आपका रिवीजन करने के लिए वो टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है। अगर वो सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। चलो देखते हैं आज का वोकैब। हमने आपको पहले बोला है कि आप हमारे साथ कंटिन्यू करोगे तो क्या है कि एक मंथ या डेढ़ मंथ के अंदर हम पूरी SSC हर स्टेट एग्जाम की वोकैब को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आप खुद अपने अंदर चेंज देखोगे कि आपको कितनी वोकैब याद है। लेकिन करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। चलो लेट्स स्टार्ट टुडे वोकैब। फर्स्ट वर्ड क्या है? कंसील। क्या है? कंसील। क्या वर्ड आया फर्स्ट? कंसील। कंसील का मतलब होता है कोई चीज छुपाना, ठीक है, ये होता है, ठीक है, यानी किसी बात को छुपाना, किसी चीज को छुपाना, ये होता है कंसील। यानी कि कौन है जो बात को सील कर रहा है, यानी ट्रिक मैंने क्या बनाई, कौन है जो बात को सील कर रहा है, यानी ट्रिक समझ क्या? ओके, चले आगे। इसका मतलब क्या हो गया? हाइड। क्या हो जाएगा? हाइड, ऑब्स्क्योर, क्या हो जाएगा? ऑब्स्क्योर या डिसगाइस। ठीक है, या ब्यूरी। यानी कि बात को दबाना या मिट्टी डालना। ठीक है, समझ में आ गया? कंसील कौन है जो बात को सील कर रहा है, ट्रिक क्या बनाई? हाइड, ऑब्स्क्योर, डिसगाइज, ब्यूरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्डेमन। क्या है? कॉन्डेमन। क्या वर्ड हमारा? कॉन्डेमन। क्या वर्ड लेके आए हम? कॉन्डेमन। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, किसी को दोषी ठहराना, किसी की निंदा करना। ठीक है, आप समझ गए। एक वर्ड के मैंने बोला था कि अनेक अर्थ होते हैं लेकिन वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका रियलिटी में वास्तविक मीनिंग क्या है। यानी कि मैंने बता दिया कॉन्डेमन का मतलब क्या है कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, किसी को आरोपी सिद्ध करना और किसी की निंदा करना। समझ गया बात को? देखो यहां से स्टार्ट है कोंड। क्या है? कोंड। यानी कि कोंड से कर लो कांड। क्या कर लो? कांड। यानी कि किस बंदे ने ये कांड किया? क्या किया? कांड। सबसे पहले जो बंदा कोई कांड करता है, कोई गलत हरकत करता है, उसकी क्या करते? निंदा। और एक उसके ऊपर क्या करते? दोषी ठहराते। दोनों बात देखना की, यानी कि ब्लेम, ब्लेम हो जाएगा। ठीक है, कन्विक्ट, क्या हो जाएगा? कन्विक्ट। एक क्या हो जाएगा? रिप्रोच। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या लेके आए हम? डिस्प्यूट। क्या? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई झगड़ा होना, कोई आपस में लड़ाई होना, किसी छोटी मोटी बात के ऊपर बहस होना। ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट। हम वैसे भी हमारी लाइफ में डिस्प्यूट चलते रहते, इसकी ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हैं? जैसे कंट्रोवर्सी, क्या हो जाएगा? कंट्रोवर्सी। जैसे आर्गुमेंट, क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट। जैसे डिबेट, आप बार बार देखते हो ना न्यूज चैनल के ऊपर डिबेट चलती रहती है आपस में एक दूसरे की, डिबेट। ठीक है, क्या? क्वेरल। ठीक है, झगड़ा,
कोई डिस्प्यूट होना, इतना आपको समझ आ गया, यानी कि डिस्प्यूट आजकल अपने सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट एक मीनिंग आया कोर्टियस, क्या मीनिंग आया कोर्टियस, ठीक है। देखो स्टार्ट में इसके मीनिंग है कोर्ट, क्या मीनिंग है कोर्ट, और आपको पता है कि मान के चलो कोई बंदा कोर्ट में जाता है, कहां जाता है कोर्ट में, तो सबसे पहले कोर्ट में जाने के लिए उसको कैसा होना चाहिए, कोर्ट में किसी की अकड़ नहीं चलती, सबसे पहले बात कोर्ट में किसी की अकड़ नहीं चलती, कोर्ट में या कोई भी बड़ा अफसर जाओ तो वो भी क्या सिर झुका के जाता है, यानी कि वो उसकी क्या करता है, वो बंदा क्या बन जाता है विनर, क्या बन जाता है विनर, यानी कि रिस्पेक्टफुल बन जाता है, ठीक है, यानी कि विनर होना, रिस्पेक्ट देना, ये चीज हो जाएगी कोर्ट में, कोर्ट के हम क्या करते हैं सब रिस्पेक्ट करते हो, कोर्ट के सामने हम क्या हो जाते हैं विनर हो जाते हैं। क्या हो जाएगा पोलाइट रिस्पेक्टफुल, क्या हो जाएगा रिस्पेक्टफुल, या हमारा हो जाएगा अर्बेन, यहां पे लिख देता हूं मैं अर्बेन, समझ में आ गया ट्रिक क्या थी इसकी, कोर्टेसी कोर्ट, कोर्ट में सब बंदे क्या हो जाते हैं, कोर्ट में किसी की अकड़ नहीं चलती, कोर्ट में सारे क्या हो जाते हैं विनर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड आया कार्डाइस, क्या वर्ड आया कार्डाइस, क्या इसका मतलब होता है डरपोक, क्या डरपोक डरने वाला, देखो लास्ट में इसके मीनिंग है, देख स्टार्ट में है काउ, क्या है काउ, यानी क्या मीनिंग इसमें लास्ट स्टार्टिंग में काउ, और कोई बंदा गाय से क्या कर रहा है डरता है, गाय से क्या करता है डरता है, समझ में आ गया, गाय से क्या करता है डरता है, यानी कि फियर, ट्रिक समझ में आएगी, काउ डाइस का हमने स्टार्टिंग में क्या उठाया काउ, और काउ से क्या करता है बंदे में सारे डरते हैं, काउ सामने से मार देती है, यानी काउ डाइस, यानी कि फेंट हर्टनेस, ठीक है समझ में आ गया इतना, यानी काउड आइस से क्या हो जाए बंदे डरते हैं। मैं इनको रफ कर देता हूं डस्टर, एक मिनट। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड आया क्रेडिबल, क्या वर्ड आया क्रेडिबल, क्या वर्ड आया ये एल है यहां पर, क्या वर्ड आया हमारा क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, ठीक है, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है जिसके ऊपर विश्वास किया जाए, क्रेडिट से कर लो, यानी कि क्रेडिट है स्टार्ट में क्रेडिट, क्रेडिट से कर लो क्रेडिट, यानी कि जिस बंदे को हम अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड दे देते हैं मतलब वो बंदा हमारे विश्वास के लायक है, विश्वास करने योग्य है, तो क्रेडिबल से क्या हो गया क्रेडिबल से कर लो क्रेडिट, यानी जिस बंदे को हम क्रेडिट देते हैं अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं वो बंदा विश्वास करने लायक होता है, यानी कि बिलीवेबल, क्या हो जाएगा बिलीवेबल रिलायबल, क्या हो जाएगा रिलायबल, जैसे सिंसियर, ठीक है, यानी कि जिस बंदे को हम अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं तो बंदा कह सकता है क्रेडिबल। नेक्स्ट वर्ड आया ब्रूटल, क्या वर्ड आया ब्रूटल, क्या वर्ड आया नेक्स्ट ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता खतरनाक घातक, मतलब जिसके दया ना हो कुछ भी कर सकता हो, ठीक है क्रूअल, ठीक है क्रूअल, यानी कि इसका एक सिनोनिम हो सकता है बार्बरिक, ठीक है क्या हो गया ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब क्या होता है क्रूअल, फेरोसिस, क्या हो जाएगा फेरोसिस या मर्डरर, क्या
क्या हो गया, यानी कि मर्डरर्स, जो बंदा मर्डर कर सके, यानी कि वो बंदा कैसा है, ब्रूटल है, कैसा बंदा है, ब्रूटल बंदा है, कैसा, ब्रूटल, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड आया स्कार्सिटी, क्या वर्ड आया स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, गरीबी, ठीक है, शॉर्टेज, ठीक है, इसका मतलब है स्कार्सिटी, यानी कि जो कार है सिटी के अंदर उनकी क्या है, कमी है, कैसे उन्होंने जेड डी अर्थ, क्या हो जाएगा डी अर्थ, शॉर्टेज, क्या हो जाएगा शॉर्टेज, क्या हो जाएगा शॉर्टेज, पॉवर्टी, क्या हो जाएगा पोवर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या आया, डेडिकेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है हम स्टडी करते जैसे डेडिकेशन से, बिल्कुल तन मन धन से, ठीक है, डेडिकेशन मतलब तन मन धन लगाना है, जैसे लॉयल्टी, लॉयल्टी भी क्या सिनोनिम है, ठीक है, लॉयल्टी, जैसे फेथफुलनेस, क्या हो जाएगा फेथफुलनेस, डिवोशन, क्या हो जाएगा डिवोशन। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड आया डेमोक्रेसी, क्या वर्ड लेके आया डेमोक्रेसी, क्या वर्ड आया हमारा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है प्रजातंत्र, ठीक है, ऑटोनॉमी, हम सभी को भारत में डेमोक्रेसी है भाई, रिपब्लिक, क्या हो जाएगा रिपब्लिक, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे आज के मीनिंग कंप्लीट। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके।